हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ CGTET शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राइमरी लेवल के लिए। इंग्लिश का टॉपिक आज लेकर आया हूँ आर्टिकल। तो दोस्तों, आज आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से आर्टिकल होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो आर्टिकल जो है दोस्तों, जनरली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वो देख लेते हैं। तो आर्टिकल में हम देखें तो पहला होता है हमारा डेफिनिट आर्टिकल। और दूसरा जो आर्टिकल होता है वो इनडेफिनिट आर्टिकल होता है। डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक डेफिनिट प्रकार का होता है, दूसरा इनडेफिनिट प्रकार का होता है। अब इसमें देखें, डेफिनेट में जो आता है वो होता है द, और इंडेफिनिट की बात करें तो इंडेफिनिट जो होता है इसमें जो आता है वो होता है ए और एन, दो आर्टिकल यहां आते हैं। तो इस प्रकार आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। और आर्टिकल के कितने प्रकार हैं, तो आर्टिकल तीन प्रकार के होते हैं, ए, एन और द। अब इसको याद करने का एक ही तरीका दोस्तों, डेफिनेट का मतलब होता है छोटा, तो छोटा में है द, इनडेफिनेट में होता है बड़ा, इसलिए एन और ए दो प्रकार के होते हैं। तब बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ए और एन का यूज। तो दोस्तों, ए और एन का यूज कब किया जाता है तो वो देख लेते हैं। तो दोनों में काफी समानता है और कुछ भिन्नता है, तो इसको भिन्नता के आधार पर हमको पहचानना है। तो बात करें ए का और एन का, दोनों में अंतर एक ही होता है। पहला, इसका प्रयोग होता है सिंगुलर नंबर के पहले। सिंगुलर नंबर के पहले, सिंगुलर जैसे सिंगुलर का मतलब होता है बॉय, ये होता है हमारा सिंगुलर नंबर। अब इसी को हम बॉयज कह दें तो ये हमारा प्यूरल हो जाता है, ये हमारा प्यूरल नंबर होता है। तो जैसे सिंगुलर का मतलब होता है बॉय, और प्यूरल यदि बात करें तो ये हो जाता है बॉयज। तो इसका जो प्रयोग है सिंगुलर नंबर के पहले किया जाता है। दूसरा होता है काउंटेबल नाउन के, काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। इसका भी एन का प्रयोग भी सिंगुलर नंबर के पहले, सिंगुलर नंबर के पहले किया जाता है। और दूसरा देखें तो ये भी काउंटेबल नाउन के पहले, काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। तीसरी बात देखें तो इसका जो उच्चारण होगा ए का, कोई वर्ड होगा उसका उच्चारण यदि कॉन्सनेंट आए, है ना, व्यंजन आए, व्यंजन या कॉन्सनेंट आता है तो वहां पर हमको ए का यूज करना है। इसमें देखें तो इसमें आने वाला जो नाउन होगा उसका जो उसका जो साउंड होगा वो होना चाहिए वोवेल या स्वर होना चाहिए, स्वर होगा तब हम एन का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखें, I ate a, यहां पर countable noun की बात कर रही है, a बनाना, बनाना का जो साउंड है देखें तो बनाना वो हो रहा है शुरू ब से हो रहा है, इसलिए ब से हो रहा है तो ब हमारा व्यंजन है, ब क्या है हमारा व्यंजन है, इसलिए यहां पर a का प्रयोग हो रहा है। दूसरे एग्जाम्पल देखें एन का प्रयोग, I saw an elephant, elephant कहां से स्टार्ट हो रहा है, a से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसका उपयोग जो है इसका सामने हम एन का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। और इस प्रकार देखें तो इसमें एक ही अंतर है, इस ये होता है कॉन्सनेंट व्यंजन, यदि उच्चारण हो तो हम ए का प्रयोग करेंगे, और काउंटेबल नाउन होना चाहिए और सिंगुलर नंबर होना चाहिए। एन का प्रयोग सिंगुलर नंबर होनी चाहिए, काउंटेबल नाउन होनी चाहिए, और उसका जो वर्ड का
जो होगा नाउन का वर्ड जो होगा उसका जो है स्वर होनी चाहिए, तब हम एन का प्रयोग करेंगे। द का प्रयोग डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत देखें, डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत देखें द का प्रयोग। द भी सिंगुलर या प्लूरल नंबर हो सकता है, वो बॉय हो सकता है, बॉयज हो सकता है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है, वो काउंटेबल हो और अनकाउंटेबल हो, जिसे हम गिन सके और जिसे हम नहीं गिन सकते वहां पर द का प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही यहां पर कॉमन नाउन होना चाहिए, कॉमन नाउन में भी हम द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए द एप्पल यू एट वाज रिटन, तो यहां पर देखो एप्पल है, वहां पर हमने क्या यूज किया है द। द का उपयोग जो है सिंगुलर प्लूरल या फिर काउंटेबल अनकाउंटेबल और उसका प्रयोग हम कॉमन नाउन में करते हैं जनरली। तो दोस्तों डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, जहां निश्चित हो वहां हम द का प्रयोग करेंगे। अनिश्चित अनिश्चित ए और एन होता है, उसका यूज मैंने पहले बता दिया है। तो दोस्तों ये रहा आर्टिकल, आगे के वीडियो में मैं नाउन प्रोनाउन लेके आऊंगा। थैंक यू दोस्तों।